हरिद्वार के आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा के कमान संभालते ही अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं 5 सितंबर की घटना के बाद से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें करीब 200 से अधिक के मुकदमे अवैध शराब निर्माण को लेकर लिखवाए गए हैं। साथ ही हजारों लीटर लाहन नष्ट किया गया है। इसके अलावा करीब 100 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की जा चुकी है। आपको बताते चलें कि प्रभा शंकर मिश्रा पहले भी जिला आबकारी अधिकारी के पद पर हरिद्वार में तैनात कर चुके हैं। इनके कार्य करने की शैली सबसे हटकर है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध एक सघन अभियान पूरे जनपद में आबकारी विभाग चला रहा है और हमने माह सितंबर से लेके जब से घटना घटी है तब से अभी तक हमने 200 से अधिक मुकदमे किए हैं और हजारों लीटर कच्ची शराब, कई हजार कुंटल जो है लहन और कम से कम 200 से अधिक भट्टियाँ तोड़ी जा चुकी हैं। दिनों रात कार्रवाई चल रही है, उसके बावजूद भी यह कार्रवाई ऐसा लग रहा है कि अभी नाकाफी साबित हो रही, क्योंकि लगातार जो है इसका प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं। लेकिन हमने जो है इसको जो समूल नष्ट करने का पूरा अभियान चला रखा है और जल्दी ही जो है इस पर जो है हम लोग काबू पा लें।